नमस्कार, मैं सनी तुशीर। नरेला का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को खो दिया है। परिवार वाले रात से ही इस हॉस्पिटल में अपने बच्चे को बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा बच नहीं पाया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि समय रहते अगर डॉक्टर इस हॉस्पिटल में उपलब्ध होता, समय रहते डॉक्टर अगर यहाँ पर आ जाता तो शायद हमारे बच्चे की जान बच जाती, लेकिन डॉक्टर आया नहीं और डॉक्टर के लेट होने की वजह से इन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। शुरुआती टेस्ट जरूर किए गए, शुरुआती दवाइयाँ जरूर दी गई, लेकिन जो स्पेशलिस्ट था वो डॉक्टर, रात के 12 बजे उसको कॉल की गई, लेकिन वो डॉक्टर वहाँ से जो है वो सुबह 5 बजे आता है और बोलता है कि आपका बच्चा ठीक है, आप इसको घर लेके जाइए, लेकिन घर जैसे लेके जाता है तो बच्चे की दोबारा फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो ये एक बड़ी लापरवाही जो है वो नरेला के सत्तावादी राजा हरिश्चंद्र में देखने को मिली है, जहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इन परिवारजन ने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को खो दिया है। पूरी क्या बात थी, पूरी कैसे क्या कहानी हुई, वो वारदात आज हम आपको बताएंगे। आप कौन रात को हॉस्पिटल में बच्चे को लेके आए थे, आप ही आए थे क्या, पूरी एक बार मेरे को बताइए। सर, मैं जब 1:30 बजे लेके आया था तो बच्चे की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। रात को 1:30 बजे लेके आ रहे थे? हाँ जी। तो जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो बच्चे को इन्होंने लिटा दिया बेड पे, और लिटाने के बाद कुछ देर तो ऐसे लेटा रहा। उसके बाद डॉक्टर, मैं तो नहीं जानता कौन डॉक्टर सीनियर थे कैसे, उन्होंने आके देखा, उसके एक सुई लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने फ़ोन किया मेरे सामने सीनियर डॉक्टर को कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, आप आ जाओ। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब नहीं आए, 5 बजे इन्होंने छुट्टी कर दी बच्चे की, कि बच्चा का ब्लीडिंग बंद है और बच्चा आपका ठीक है, घर ले जाओ, सुबह आना ओपीडी में। डॉक्टर को 1 बजे फोन किया गया लेकिन डॉक्टर आए नहीं। नहीं आए, ठीक। और फिर डॉक्टर सुबह 5 बजे आए हैं? नहीं आए थे, सुबह 5 बजे भी नहीं आए। फिर इन्होंने क्या किया, छुट्टी जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था ना, उन्होंने छुट्टी कर दी 5 बजे कि बच्चा तुम्हारा ठीक है, ब्लीडिंग बंद है, तो सुबह आके ओपीडी में दिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है, ले गए घर। घर ले जाके 7 बजे फिर इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, तो फिर मैं इमरजेंसी में लेके आया, तो यहाँ पर डॉक्टर फिर भी नहीं मिले। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था वही डॉक्टर थे। जब मैं यहाँ आया तो फिर इन्होंने डॉक्टर के लिए फ़ोन किया, तब डॉक्टर फिर आए भागते हुए। फिर उन्होंने क्या समय रहा होगा, जब 8:15 को 1:30 बजे फोन किया, हाँ। और सुबह 8 बजे डॉक्टर आ रहे हैं। हाँ, 8 बजे आके उन्होंने देखा तो हमसे बोले बच्चे की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, इसको रेफर करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनसे बोला मैं प्राइवेट में इलाज कराऊंगा, तो कह रहे नहीं प्राइवेट में नहीं, LNJP ले जाओ, बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसे कर हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है। फिर इन्होंने 9:30 बजे, मतलब 7 बजे का बच्चा आया हुआ, 9:30 बजे रेफर कर पाया, और वो भी यहाँ से रेफर करते करते बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी। फिर इन्होंने रास्ते में जाके जब बच्चा जब बिगड़ गया ज़्यादा, तो इन्होंने बोला अम्बेडकर ले चलो। अम्बेडकर जाते ही बच्चे पे वेंटिलेटर लग गया, और वेंटिलेटर लगते अगर डॉक्टर समय पर आते हैं, हाँ, तो क्या आज इनकी, हाँ, अगर डॉक्टर समय पर आते तो बच्चा एकदम मैं रात को पर्ची बनवाई थी मैंने 2 बजे आके, वो पर्ची हमारी इन्होंने छीन ली हमसे सुबह 7 बजे। अच्छा, एक दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि इन्होंने रात के 1:30 बजे ओपी यहाँ से इमरजेंसी से इन्होंने पर्ची बनवाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से, और वो पर्ची आज या सुबह जब निकल रहे थे तो वो पर्ची इनसे हाथ में से छीन ली, आपके हाथ में से छीन ली। हाँ, मेरे हाथ में थी। अच्छा। मेरे को पुरानी पर्ची दी, ये पर्चा भर गया है तुम्हारा और इसको नया पर्चा बनवा लो। मैं पर्चा यहाँ पर लेने बनवाने आया हूँ, तो भागते हुए डॉक्टर पीछे पीछे आए, मैं इधर से बनवा के जा रहा था, इन्होंने बीच में गली में पर्चा दोनों मेरे से नया पुराना दोनों ले लिया। फिर नया पर्चा भी छीन लिया उन्होंने, पर्ची ले लिए और मेरे से बोला तुम अंदर जाओ। फिर वो डॉक्टर साहब इधर ही आए थे, अब मैं नहीं देखा किधर आए थे क्या किया। अगर डॉक्टरों की लापरवाही नहीं थी, डॉक्टर अपनी जगह ठीक थे, तो आखिरकार उन्होंने पर्चा क्यों
छीना इनके हाथ से, पर्चा भर गया था तो दूसरा पर्चा बन जाता, लेकिन पर्चा छीनने की कौन से कानून में ये लिखा गया है? केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार बोलते हैं कि हमने दिल्ली में वो स्वास्थ्य प्रणाली दी है जो स्वास्थ्य प्रणाली किसी और राज्य में नहीं है, लेकिन वो स्वास्थ्य प्रणालियों पर आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि एक डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर मासूम अपनी जान खो देता है। मेरा बच्चा दिलाइए, मैं क्या मिलेगा? डॉक्टर गिरफ्तार चाहिए मुझे, जिन डॉक्टरों ने लापरवाही करी है मेरे बच्चे के साथ, मुझे वो गिरफ्तार चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के अलावा कोई माँ या कोई बाप दूसरा बच्चा छोड़े खो दे अपना, मैं ये नहीं चाहता हूँ। आराम करना है तो क्यों उसने डॉक्टरी का कोर्स करा तो घर रहे, अपने घर पर बैठे क्यों डॉक्टरी का कोर्स किया? ये बात जो है सुनिए, ये बात बड़ी काम की बात बोली है, दोबारा बोलिए, आप चुप रहिए 2 मिनट। अगर उसे आराम करना है तो घर पर बैठे क्यों उसने डॉक्टरी कोर्स किया? क्यों आओ किसी की जान? हम नहीं ना डॉक्टर बनते नहीं तुझे रात में बुलाते, अपने घर पर रहे। बिल्कुल, अगर डॉक्टर को आराम करना था तो वो नौकरी पर ही क्यों आते हैं, वो अपने घर पर ही आराम करे। और दूसरी बात ये, अगर डॉक्टरों को फोन किया गया है वो कह रहे हैं कि हाँ आप रुके रहिए हम आ रहे हैं, और डॉक्टर आते नहीं हैं, तो उसके जिम्मेदार आखिरकार कौन है उसका जिम्मेदार? सर जो डॉक्टर हमारे साथ एम्बुलेंस में भेजा था वो डॉक्टर वहाँ तुरंत छोड़ के और पर्चा हमें पकड़ा के ना हमें ये बताया कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं, वहाँ से तुरंत मतलब वापसी आ गया। उसको ये पता था बच्चे की सीरियस यहाँ करनाल बाईपास पर ही हो रही थी, तो मतलब बच्चा वहाँ से मतलब कुछ तो देखभाल करनी चाहिए 10-15-20 मिनट, लेकिन तुरंत वहाँ से छोड़ के भाग के आ गया वहाँ से। जब 9:30 बजे जब एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला इसकी ये सर्जरी के लिए फ़ोन करूँ, यहीं पर शायद सर्जरी होती होगी मुझे पता नहीं है। फिर जो सीनियर डॉक्टर थे बोले अरे नहीं रहने दे, तू LNJP के लिए रेफर करने दे मुझे, नहीं रहने दे, ठीक है LNJP के लिए रेफर करवा दिया। मतलब सर्जरी यहाँ क्यों नहीं हुई ये मेरे दिमाग में मतलब दिमाग सवाल चल रहा है। ये जब गरीब जनता के लिए ये हॉस्पिटल खोले गए हैं कि गरीब जनताओं को यहाँ पर सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, और उन्हीं जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। जब ये बच्चा रात के डेढ़ बजे यहाँ पर आए थे, हाँ ये बच्चे की अम्मा है, मैं माँ, ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चे को मैं 3 लोग लेके आए थे। बच्चा अच्छा, ये आपके बच्चे को पूरी बीमारी थी क्या ये बताइए पहले? बुखार था, हल्का सा बुखार था 2-3 दिन पहले, तो दवा दिलवाई थी इसे, तो उसके बाद इन्हें दवा भी चेक करवाई थी हमने आके, हमें बोला सर ये दवा चल रही है, तो उन्होंने पर्चा देख के रख दिया। और एक तो चिल्लाते ज्यादा, ये लूज मोशन हो रहे थे बच्चे को, लूज मोशन में ही जो ब्लड ज्यादा निकल रहा था, नहीं हाँ जी जब ब्लड ज्यादा निकल रहा था ना, इनको हमने दिखाया था कच्चा खोल के, मेरा देखो इतना ब्लड निकल रहा है, लेकिन ये चिल्लाते ज्यादा कहता है अरे ढाके से बंद कर इसे, जो मुझे करना वो करता हूँ। एक तो ये चिल्लाते ज्यादा ये बोलने नहीं देते, ये समस्या थी। ये आपका पर्चा क्यों छीना गया? सर ये पर्चा यही तो समझ में नहीं आ रहा, जब मेरे से बोला गया ये पर्चा भर गया है, इसको पुराना ले जाओ और नया बनवा के ले आओ, इधर रेफर कर रहे थे। पुराना पर्चा दे दिया गया अभी आपसे, कितनी देर पहले छीना था? रेफर करने से पहले 8:30-9 बज रहे होंगे। अभी आपकी क्या मांग है सभी लोगों की, क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, कि डॉक्टर ने ये लापरवाही क्यों करी मेरे बच्चे के साथ, ताकि ये डॉक्टर मतलब आगे और भी डॉक्टर हैं वो उनके आँख खुल जाए, ताकि मतलब और बच्चों के साथ ऐसा ना करें। बिल्कुल, अगर इस मामले में अगर कोई भी दोषी है तो उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। जब केजरीवाल सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर, और उन हॉस्पिटलों में लापरवाही की वजह से एक माँ और एक बाप अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को खो देते हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये देख सकते हैं नरेला का सत्तावादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, जहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में रात के 1:30 बजे बच्चे को लाया जाता है, उसको लूज मोशन होता है, लूज मोशन में काफ़ी जो है वो ब्लड निकलता है, उसके बाद
उसके बाद डॉक्टर एक बड़े डॉक्टर के पास फोन करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट के पास फोन करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर समय पर नहीं आता है, बच्चे को उपचार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है और बच्चा इस दुनिया को अलविदा कहकर निकल जाता है। आखिरकार ये बच्चे की मौत है, और मौत है तो जो इसकी मौत में ये हकदार है, तो उन डॉक्टरों पर लापरवाही को देखते हुए जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और यहां पर आने के बाद अब मामले की जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी, और अगर कोई भी डॉक्टर इसमें दोषी पाता है तो उसको कानून के द्वारा सजा जरूर देनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरीके की लापरवाही ना बरती जा सके। और केजरीवाल सरकार से एक बार फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि केजरीवाल जी, आप स्वास्थ्य प्रणाली के लेकर इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आप डॉक्टरों को भी नसीहत दीजिए कि वो इस तरीके से गरीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें, और अगर इसमें कोई भी डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। डॉक्टर हमारे भगवान हैं और हम डॉक्टरों को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि वो जान भी बचाते हैं, लेकिन कई डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली भी जाती है। लेकिन डॉक्टरों को, जिनको हम भगवान के रूप में देखते हैं, उनको शैतान नहीं बनना चाहिए, उनको हर उस जान की कीमत को समझना चाहिए जो हम अपने माँ बाप की समझते हैं, अपने बेटों की समझते हैं, अपनी समझते हैं। जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए दिल्ली समाचार। सोनू के साथ मैं सुनीत सिंह।